नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP24 और आज के हमारे इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा जगत के उस सितारे के बारे में जो सिनेमा जगत के आकाश में हमेशा ध्रुव तारे की तरह रोशन रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दौर के सुपरस्टार विनोद खन्ना की, जिन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इतना ही नहीं, उन्हें हर तरह के फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेहतरीन अभिनय करते देखा गया है। तो चलिए आज आपको हम रूबरू करवाते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ खास किस्सों से। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था। विनोद खन्ना अपने युवावस्था में बहुत ही आकर्षक थे। इनकी कदकाठी भी ठीक थी, जिसके चलते इन्हें बहुत जल्दी काम मिलने लगे। विनोद खन्ना ने अठूर्ति सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में इन्हें विलेन का किरदार दिया गया था। विनोद खन्ना उन बहुत कम अभिनेताओं में हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलेन के किरदार से की और कालांतर में नायक के रूप में स्थापित हुए। वहीं विनोद खन्ना का रोमांटिक रूप भी लोगों को खूब पसंद आया, जिसके बाद कई फिल्मों में विनोद खन्ना का ये रूप देखा गया। साल 1973 से साल 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि है। इन फिल्मों ने दर्शकों के बीच इनकी एक अलग ही पहचान कायम कर दी। इन फिल्मों को करने के दौरान विनोद खन्ना को कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ काम करते देखा गया। विनोद खन्ना ने अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए। दोस्तों, आपको एक खास बात बता दें, साल 1982 से साल 1986 के दौरान विनोद खन्ना की रुचि अध्यात्म की तरफ चल पड़ी और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए कट गए। इस दौरान उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिर साल 1987 में पुनः एक बार फिर विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान उन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफर पुनः फिल्म इंसाफ से शुरू किया। इतना ही नहीं, सन 1997 में विनोद खन्ना ने राजनीति की तरफ अपना रुख किया। इस साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। इसके दो साल बाद सन 1999 पंजाब के गुरदासपुर से इन्होंने पार्टी के लिए चुनाव लड़ा और इस सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई। साल 2017 में विनोद खन्ना ने 27 अप्रैल को 70 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। बॉलीवुड से एक और सितारे ने दुनिया को अलविदा कहा, जिससे न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरे देश में शोक की लहर छा गई थी।